अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नयाब अरशद। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू आर ब्यूटीफुल डे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। सो अभी मैं उठी हूँ और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। ये कस्टर्ड बना हुआ था तो मैंने सोचा कि ये खा लेती हूँ नाश्ते में, फिर उसके बाद जो है वो खाना बना लूँगी। सो अभी मैं आई हूँ किचन में ताकि मैं अपने लिए खाना बना सकूँ। और ये अपना घर तो नहीं है ना जहाँ पर बना बनाया खाना मिल जाए, सब कुछ खुद करना पड़ता है, हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। यहाँ पे लाइफ इतनी आसान तो नहीं होती ना। अब जैसे कि मेरी फ्रेंड मुझे कल पूछ रही थी एक कि तुम्हारे तो बड़े मज़े हैं, तुम तो बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रही हो, जॉब कर रही हो और अलहदा जो है वो रहती हो, सब कुछ जो है वो बहुत अच्छा लगता होगा। लेकिन मैं उसकी बात से ये सोच रही थी कि उसको तो देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जो रहता है जिस सिचुएशन में वो उसको पता चलता है कि वो किस सिचुएशन में रह रहा है। आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब फैमिली साथ नहीं होती तो आपको ज़्यादा डिप्रेशन फील होता है। सो इसलिए फैमिली का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर कोई मज़े की ज़िंदगी नहीं गुजार रही, जाहिर सी बात है फैमिली से दूर किसको मज़ा आता है। और हाँ, मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ अपनी जर्नी भी शेयर करूँगी कि मैं यहाँ पे क्यों आई थी और कैसी जो है वो मेरे इतने टाइम जो है वो मैं किस तरह से मैंने गुजारे हैं। सो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी ताकि आप लोगों में से कोई भी अगर इस तरह से आना चाहता है तो उसके लिए एक आसानी हो जाएगी, क्योंकि उसको पहले से ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्या करना चाहिए। खाना खाने के बाद स्टूडेंट्स का एक प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने उनकी हेल्प की, बल्कि हेल्प नहीं कह सकते, सारा प्रोजेक्ट ही मुझे बनाना पड़ा था। गुड मॉर्निंग एवरी वन, अस्सलाम वालेकुम। सो आज हो चुका है नेक्स्ट डे, आज है फ्राइडे और मैं अभी बाहर आई हूँ ताकि मैं थोड़ी सी धूप इंजॉय कर सकूँ। बहुत प्यारा मौसम हो रहा था, वैसे धूप भी थी लेकिन हल्की हल्की हवा थी तो इसकी वजह से बहुत प्यारा मौसम था। और फिर आप लोग ये सामने देखिए कि चेयर्स हैं और टेबल है, तो ये बहुत प्यारा जो है ना वो एक व्यू लगता है। अक्सर मैं यहाँ पर शाम के टाइम आकर बैठती थी, लेकिन अब रैबिट की वजह से जो है मैं ज़्यादातर नहीं आती यहाँ पर। यहाँ पे मुर्गियों की फ़ाइट चल रही है तो मैंने अंदर से देखा था, तो मैंने कहा चलो आके मैं यहाँ बाहर देखती हूँ कि कितना ये आपस में लड़ते हैं, और ठीक ठाक एक दूसरे को मार रहे थे। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरह से ना मुर्गियों को लड़ते देखे। देखो ऐसे लड़े हैं जैसे एक दूसरे को खा जाएंगे, पता नहीं कब के दुश्मन हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आज फ्राइडे है, लेकिन फ्राइडे होने के बावजूद मैं इस दफ़ा जो है शारजा नहीं जा रही, क्योंकि मुझे कुछ काम है इस दफ़ा तो मैं नहीं जाऊंगी। तो इसलिए अभी जो है मैं सोच रही हूं कि मैं बाहर जाऊं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज जा तो नहीं रही शारजा, लेकिन मैं अभी बाहर जा रही हूँ कुछ लेने के लिए, और मेरे रास्ते में इतनी रुकावटें हैं, ये देखें। और दूसरी रुकावट ये बैठी हुई है सबसे खतरनाक। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी है, लेकिन मेरे ख्याल से तो वनीला फ्लेवर ज़्यादा बेटर है, मैं ये लूँगी। अरे बाप रे यार, मैं पिछली दफ़ा आई थी तो यहाँ पे 13 लिखा था और आज यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। और मुझे तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, मैं 2 हफ्ते के बाद आई हूँ तो इतना फ़र्क, इतना चेंज, इतना रेट में फ़र्क आया है ना। इस बिस्किट से रिलेटेड ना मैं एक रेसिपी देख रही थी और सोच रही हूँ कि बनाऊँगी। चलो बिस्किट तो नज़र आ गया, अब रेसिपी भी बनाऊँगी किसी दिन। इतनी दफ़ा मैं इस शॉप पे आई हूँ लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं ये एरिया देख रही हूँ। एरिया है अपना सामान खाने पीने का, और अभी मैं चल के कुछ बनाऊँगी। मैं कुकिंग करती नहीं हूँ लेकिन बेसिकली मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है। कभी कभी जब मैं करती हूँ ना तो मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है, तो इसलिए अच्छा मूड करने के लिए या तो कुकिंग करो या फिर बर्तन धो।
आज मैं नहीं ना गई तो मुझे इतना फील हो रहा है ना। सही बात है, हर वीकेंड पे मैं जाती थी और ये फर्स्ट वीकेंड है जहाँ जब मैं नहीं वहाँ पे जा रही, और मैं अपने अरहान को और मिनाल को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अभी से ही। और अभी मुझे 2 दिन और जो है, बल्कि 2 दिन नहीं, अभी मुझे और 7 दिन गुजारने हैं, और नेक्स्ट वीक जो है वो मैं जाऊँगी। सो आप लोगों को भी बताऊँगी कि नेक्स्ट वीक जो है वो क्या होने वाला है। अभी मैं बनाने लगी हूँ नूडल्स। लास्ट टाइम जो है वो मैंने कोई और फ्लेवर लिया था जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा चिकन फ्लेवर लेती हूँ। और ये जो रोल्स हैं ना, इनको मुझे लगता है अभी तो अभी फ्रिज में रखना पड़ेगा, फिर जब खाने ही पड़ेंगे तो फिर मैं निकाल दूँगी इनको। यहाँ पे रखती हूँ इसको। नूडल्स हो चुके हैं रेडी, अब बारी है खाने की। यार मुझे समझ नहीं आती, इसी मग में मैं जब चाय पीती हूँ तो वो मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन इसी मग में अगर मैं कोई कोल्ड ड्रिंक डालूँ या कुछ भी डालूँ तो वो मुझे थोड़ी लगती है, फटाफट से ख़त्म हो जाती है। लॉजिक समझ नहीं आ रही मुझे। मैं बाहर आई थी वॉक करने तो मैंने देखा है चांद इतना प्यारा लग रहा था ना, हाफ मून है ना आज, इसलिए वो बहुत प्यारा लग रहा था। आज मैंने रात का खाना नहीं खाया तो इसलिए जो है अभी चाय के साथ जो है ये केक खा के सो जाऊंगी। सो ये था मेरा आज का बोरिंग डे, क्योंकि मैं आज वापस नहीं की गई तो डेफिनेटली बोरिंग ही डे था। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और दुआओं में अपनी याद रखिएगा। बाय बाय।